तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियां या हो दूरियां, बस प्यार ही रहेगा की गोद भराई के लिए जो पैसे चाहिए थे ना, उसका इंतजाम हो गया। इतनी जल्दी कैसे मानव? वर्षा, मैंने अपनी मोटर बाइक बेच दी। लेकिन मानव, आपको तो बहुत लगाव था ना अपनी बाइक से। आप उसे अपने आप से कभी दूर नहीं करना चाहते थे, फिर अलग से तुमसे भी नहीं होना चाहता था। सिर्फ एक बाइक थी, हमारे सरप्राइज। आइए ना अंदर, आइए ताई। आइए ताई, बैठिए ताई। क्या बात है ताई, आप कुछ परेशान लग रही हैं? परेशान हूं मैं। भगवान हमेशा अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों करता है? आपने किसी का कभी दो पैसे का भी नुकसान नहीं किया, तो आपके हिस्से में ये सब कुछ क्यों? उसे बर्दाश्त नहीं होता है। क्या कह रही हैं आप, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये साफ साफ बोलिए ना, बात क्या है? हाँ, सब कुछ साफ साफ कहने के लिए तो आई हूँ। शायद आपको मेरी बात अच्छी ना लगे, लेकिन सब कुछ जानने के बाद आपको अंधेरे में रखना मुझे अच्छा नहीं लगा। ताई बताइए ना, क्या बात है? बात तो वही है ताई, जो मैंने आपको कई बार कहने की कोशिश की है। वो शादी से पहले वर्षा का अफेयर। ताई, आप मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो कुछ कहना है कह दीजिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। शादी से पहले वर्षा का जिसके साथ अफेयर था, वो कोई दूसरा तीसरा नहीं है, वो आपका दामाद है, अश्विन सागर।
ऐसा नहीं हो सकता अश्विन, अश्विन ऐसा कर ही नहीं सकता। उसे मैं कितने सालों से जानती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकता ताई। देखिए ताई, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है, उसको मानना न मानना वो तो आप पर निर्भर है। मैं आपको विश्वास रखने के लिए मजबूर तो नहीं कर सकती, पहले भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया लेकिन मैंने बुरा नहीं माना था, क्योंकि वो बात अतीत की थी और वो अतीत ही रह जाता तो अच्छा था। लेकिन ताई, आज वो अतीत आपके दरवाजे पर आकर खड़ा है और आपके ना चाहने पर भी वो आपके घर में घुस रहा है, आपके संसार को बर्बाद कर रहा है। आपके हित चिंतक होने के नाते मैं सारी बातें देख नहीं सकती और इसीलिए मैं आपको आगाह कर रही हूं। रिसेप्शन के दिन भी मैं यह बात आपको बताना चाहती थी लेकिन चार लोगों में आपकी बदनामी ना हो इसलिए मैं चुप रही। अश्विन पर आपका विश्वास होना बहुत जायज है, मुझे भी वो भला इंसान लगा, लेकिन वर्षा का कुछ कह नहीं सकते। शायद उसी ने अश्विन को अपने जाल में फांस दिया होगा। देखिए, ये बात मैंने पहले भी आपसे बहुत बार की है और फिर एक बार मैं कहना चाहती हूँ, सतीश जैसे अच्छे लड़के के लिए वर्षा जैसी लड़की कभी सही थी ही नहीं, ना कभी होगी। उसके नाज नखरे सतीश को एक दिन बर्बाद करके छोड़ेंगे। देखिए ताई, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है ये तो आपको ही डिसाइड करना है। अरे विनोद सुनो। हाँ बोलो मंजू। विनोद तुमने बिल्डर से बात किया, नए फ्लैट का पोजीशन कभी दे रहा है वो? हाँ मंजू, बिल्डर बोल रहा था कि कुछ एक डेढ़ महीने में पोजीशन मिल जाएगा। अच्छा मंजू, मैं ये सोच रहा था क्यों ना आई बाबा और वैशु को भी अपने साथ नए फ्लैट में ले चले, जगह काफी बड़ी है, सब लोग आराम से मैनेज कर लेंगे और वैसे भी वैशु की शादी कुछ दिनों में हो जाएगी तो गिने चुने कुल 4.5 लोग रह जाएंगे हम लोग। लेकिन विनोद, मुझे नहीं लगता कि आई बाबा हमारे साथ वहां पर आएंगे। अब मेरा मतलब है कि इस घर में उन्हें 40 साल हो गए, ऑलमोस्ट पूरी जिंदगी बिता दी है यहाँ पर, इस जगह से लगाव सा हो गया है तो इस जगह को वो लोग कैसे छोड़ेंगे? फिर अर्चना भी तो आने वाली है डिवोर्स के बाद इसी घर में रहने के लिए। मंजू, आई बाबा को मनाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैं उन्हें मना लूंगा। और रही बात अर्चना की, तो वो भी हमारे साथ हमारे नए फ्लैट में रह सकती है। आई, आपने जो लिस्ट दी थी ना उसके हिसाब से मैं सारा सामान लेकर आई हूँ प्रॉपरली। हाँ, इतनी गर्मी है बाहर, शाम हो गई है लेकिन धूप कम होने का नाम ही नहीं लेती है। मुझे पता नहीं बारिश कब होगी और ये टेम्परेचर कब कम होगा, पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा है, इतनी भी हवा नहीं चल रही है। ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है। शादी से पहले वर्षा का जिसके साथ अफेयर था वो आपका दामाद है अश्विन सागर।
आपको नहीं लगता इस साल गर्मी थोड़ी ज्यादा? आई क्या हुआ? आई क्या बात है वर्षा? क्या बात है? सास बहू साथ साथ बैठे हुए हाँ? वर्षा प्लीज एक गिलास ठंडा पानी देना। हाँ अभी लाती हूँ। कितनी गर्म है बाहर, तो गाड़ी से लेकर के यहाँ तक मुश्किल से 15-20 कदम हो, बट इट्स टू हॉट। अरे आई तुझे पता है आज हमारी कंपनी ने 10,000 करोड़ का टारगेट क्रॉस किया। कैन यू बिलीव इट, मतलब पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो 2,00,000 से ज्यादा कस्टमर हो गए हमारे। इट्स अ रिकॉर्ड इन फाइनेंस वर्ल्ड। नहीं सतीश के सामने इस मामले में वर्षा से बात करना ठीक नहीं होगा। पहले सब कुछ मैं अच्छी तरह से समझ लेती हूँ। आज मैंने अगर इस बात को लेकर सतीश के सामने हंगामा कर दिया तो, और अगर कल ये बात झूठी निकली तो सतीश मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। आई पैसों का इंतजाम हो गया तो गोद भराई की तैयारियां शुरू कर दे। आप माना पापा का फोन आया था, वो चाहते हैं कि अब जब आपके और रचना के डिवोर्स में कुछ ही दिन बचे हैं तो हमारी शादी की तारीख भी पक्की कर लेते हैं। और मुझे लगता है ये सही भी है क्योंकि जितना जरूरी मेरे लिए गोद भराई है उतनी हमारी शादी भी। देख श्रावणी जो होने वाला है वो कर ही रहेगा। जब तक अर्चना और मानव का तलाक नहीं होता दूसरी शादी का मुहूर्त नहीं निकलेगा। लेकिन आई तुम्हारे पापा से जो भी बात करनी है मैं कर लूंगी। मेरे हिसाब से अर्चना अभी भी इस घर की बहू है। इनके तलाक को 8-10 दिन बचे हैं, तब तक इसका इस घर में वही स्थान रहेगा, ध्यान में रख। लेकिन आई ये सब किस लिए? अब जब अर्चना यहाँ से कुछ दिनों में जाने ही वाली है तो आप इसकी इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? क्यों फिक्र कर रही है? अरे उसने हमारे बारे में इतना सोचा है, मला आश्चर्य वाटतं तू असा विचार कसा करू शकतेस। श्रावणी अर्चना ने अपना हक अपना सब कुछ तुम्हें दे दिया है, 7-8 दिन के लिए तू उसे खुशियां नहीं दे सकती? आई लेकिन वो आज तक मैंने बहुत बार देखा है तू उसका हर जगह अपमान करती है। अरे वो तेरे से इतना प्यार से पेश आती है और तू उससे बेरुखी करती है, क्यों? क्या बिगाड़ा है उसने तेरा? श्रावणी तू एक ध्यान में रख, आज तू इस घर में है ना वो सबका कारण है अर्चना। अर्चना इस घर से जा रही है तू इसलिए घर में है। अगर आज अर्चना मानव की जिंदगी से जाने से इनकार करेगी तो मैं आगे कुछ नहीं बोलूंगी। तू समझदार है और मैं जो भी बोली नहीं ना वो तू समझ सकती है, इतना ध्यान में रख। मानो तुझे पता है आज मेरे पास एक नाटक का नया स्क्रिप्ट आया है। अपने विनायक जी है ना प्रोड्यूसर, उन्होंने भेजा है। वो चाहते हैं कि मैं उनके नाटक में काम करूं। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अच्छी बात तो है ही, अच्छा बैनर, अच्छे डायरेक्टर, अच्छे कलाकार खास करके उस नाटक का स्क्रिप्ट हाँ
हंस क्यों रहे हो? कुछ नहीं, ऐसे ही। जो पता है मानो, हमारे नाटकों में अक्सर ऐसा सिचुएशन आता है कि लोग सोचते हैं कि आखिर में हीरो और हीरोइन अलग हो जाएंगे, लेकिन तब भी राइटर अपना कमाल दिखाता है। वो ऐसा कोई ट्विस्ट लाता है कि क्लाइमैक्स में पूरा सब बदल जाता है, हीरो और हीरोइन एक हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह हमारी जिंदगी का असली राइटर वहां ऊपर बैठा है, और वहां बैठे बैठे वो हमारी जिंदगी में ट्विस्ट और टर्न्स लाता है। मैं चाहता हूं कि तेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई ट्विस्ट आ जाए और श्रावणी मान जाए और तू और अर्चना एक हो जाए। बाबा, ड्रामा और असल जिंदगी में बहुत फर्क होता है। ड्रामे का अंत हमेशा अच्छा होता है, लेकिन असल जिंदगी का नहीं, और ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो भी हो रहा है उसे उसे बदलने की हिम्मत अभी किसी में नहीं। मानो तो हमेशा मुझे ये बात समझाता आ रहा है, लेकिन क्या तू मन से चाहता है कि तेरा डिवोर्स हो जाए, तेरी नई शादी हो जाए? मेरे चाहने से क्या होता है बाबा? आपने मुझे सिखाया था कि हमारी जिम्मेदारी चाहत से हमेशा बड़ी होती। मैं भी सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। निभा जरूर निभा, मैं कहां तुझे रोक रहा हूं, लेकिन तू मुझे सपने देखने से रोक नहीं सकता। मैं ये सपना जरूर देखूंगा कि तेरी जिंदगी में भी नाटक की तरह ट्विस्ट आ जाए और तेरी जिंदगी बदल जाए। अच्छा वर्षा। हाँ। मैं क्या सोच रहा था कि कल मेरी छुट्टी है। अच्छा, तो कल तुम्हारे मायके चलते हैं। क्यों? आई बाबा से मिले हुए काफी दिन हो गया है, और वो हमारी छोटी सी साली साहिबा, उन्हें भी थोड़ा सा तंग कर आएंगे। अब ये तो तुम्हारी जीजू और साली के बीच का मामला है, मैं इसमें क्या बोल सकती हूँ, लेकिन अगर तुम कह रहे हो तो चलते हैं। अरे आई आइए ना, क्या हुआ? आपको कुछ चाहिए था? नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्या हुआ आई, कोई प्रॉब्लम है? बोल। नहीं, वो कल वर्षा को बाजार लेके जाना था ना, उसी सिलसिले में बात करने आई थी। नहीं, कोई जरूरी काम हो तो। नहीं कोई बात नहीं, तुम लोग सो जाओ, मैं कल बात कर लूंगी। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। अच्छा है, कल मैं और आई एक साथ होंगी। मैं कल ही आई को अश्विन की सच्चाई बता दूंगी, अब और रुकना मेरे लिए नामुमकिन है। अश्विन पर आपका विश्वास होना बहुत जायज है, लेकिन वर्षा, वर्षा का कुछ कह नहीं सकते। शायद उसी ने अश्विन को अपने जाल में फांस दिया होगा। सतीश जैसे अच्छे लड़के के लिए वर्षा जैसी लड़की कभी सही थी ही नहीं, ना कभी होगी। उसके नाज नखरे सतीश को एक दिन बर्बाद करके छोड़ेंगे। भावना, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। तो कुछ दवाई वगैरह ली क्या? ली है, ठीक हो जाएगा थोड़ी देर, सो जाइए आप। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर पर अगर ये बात खुलती है तो सतीश को, इस सभी को बहुत तकलीफ होगी, और इस बात
इसकी सच्चाई भी तो ठीक से नहीं पता। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलती से मुंह से कुछ निकल जाए और सारे के सारे रिश्तों पर पानी फिर जाए। लेकिन लेकिन सब जानकर देखकर उन्हें अनदेखा भी तो नहीं कर सकती ना। किसी भी तरह मुझे इस मामले की तह तक पहुंचना ही होगा। कि कैसे जाके अश्विन से ही बात करती हूँ। वर्षा को पूछूंगी तो हो सकता है वो झूठ बोले मुझसे। लेकिन अश्विन मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। इतने सालों से जानती हूँ मैं उसे। बहुत यकीन करती हूँ मैं उस पर। बहुत विश्वास है मुझे। यही ठीक है।